मरने से फायदा होगा और क्या होगा, कलेश तो हटेगा इनका, हमारा भी हट जाएगा, हम कहाँ जाए बताओ, जब कोई हमें इंसाफ ही नहीं मिला। तो खुले घूम रहे, अभी तक कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहल सिंह भी और वो भी साथ साथ रह रहे हैं, आप देख लो फोटो है मेरे पास, और उन्होंने पूरा दबदबा बना दिया कि हम देखेंगे तुझे जरूर मारेंगे, या तो कोई भी कहीं दरख्वास्त देगा पुलिस लाइन में या थाने में, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम कब्जा भी नहीं छोड़ेंगे। बसपा नेता नुमान मसूद पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति एक बार फिर से पुलिस दरबार पहुंचे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है जी भाई साहब, क्या मामला है, आज एक बार फिर से आपको पुलिस दरबार पहुंचना पड़ा जी? इसलिए पहुंचना पड़ा कि नुमान मसूद चेयरमैन बन चुके गंगो के, और उन्होंने पूरा दबदबा बना दिया कि हम देखेंगे तुझे जरूर मारेंगे, या तो कोई भी कहीं दरख्वास्त देगा पुलिस लाइन में या थाने में, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम कब्जा भी नहीं छोड़ेंगे, ये सोच लेना बात को। बसपा नेता, इसलिए मैं दोबारा से पुलिस लाइन में आया हूँ सर जी। बसपा नेता नुमान मसूद पे आपने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है, क्या ये राजनीति तो नहीं है? ये राजनीति के बल पर तो काम हो रहा जी, अब वो जीत गए कह रहे, अब देखेंगे देखेंगे, हम लोग जीत ही चुके जी, और मैं दो बार दीवानी से जीत चुका, डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश हैं, और सर झूठे झूठे केसों में फंसाना चाहते रहते हैं, और तो अपना दबदबा बनाए हुए हर एक कोई अपना आदमी भेजते रहते हैं बार बार, और ये कहते हैं या तो अगर कहीं भी कोई एप्लीकेशन डाली तो तुम्हारा खतरा आ जान का, बस ये सोच लेना बात। आप कह रहे हैं कि हम प्लान कर लेंगे, लेकिन योगी सरकार तो प्लान के खिलाफ है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? तो सर और क्या किया जाएगा, मरने से फ़ायदा होगा और क्या होगा, कलेश तो हटेगा इनका, हमारा भी हट जाएगा, हम कहाँ जाएं बताओ, जब कोई हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है नुमान मसूद पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो खुले घूम रहे, अभी तक कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहल सिंह भी और वो भी साथ साथ रह रहे हैं, आप देख लो फोटो है मेरे पास जी। अभी कुछ दिन पहले तो पुलिस ने दबिश दी थी, तो इसमें पुलिस की क्या गलती है, वो घर पे नहीं मिले तो? सर घर पे नहीं मिले फिर तो वो वहीं पहुंच गए, पुलिस गई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो तो अब खुलेआम घूम रहे हैं, अब तो यही कहते हैं कि भाई तुम अपनी एप्लीकेशन देनी बंद कर दो, हटा लो, वरना तुम्हारा खतरा है जान का, ये सोच लेना बात। अगर डर के मारे आया यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा साहब से फिर बोल दूँ। साहब से मिले आप, साहब ने क्या कहा? अभी नहीं मिले हैं साहब, अभी जाता हूँ। पिछली बार जब मिले थे तब क्या कहा था उन्होंने? तब भी नहीं मिले थे, वो किसी काम से बाहर चले गए थे। अच्छा जी, तो अभी तक आपकी एक बार भी बात नहीं हुई क्या? अभी नहीं हुई जी, अभी कोई बात नहीं हुई साहब से, आज फिर दोबारा एप्लीकेशन देना है आज। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो अब आपका आखिरी कदम क्या होगा फिर? आखिरी कदम यही है कि मरने में हो क्या, मरना ही है, बस मरना ही पड़ेगा और क्या होगा भाई, आखिरी कदम ये है बस। तो ये थे हमारे साथ दीप सिंह, जिन्होंने अपने रखी, फिलहाल इतना ही।